के पास वतन में भोग लेकर के दिन के समय जाना हुआ। जाने के साथ ही बाबा को जिस स्थान से जाते हैं की विशेष याद प्यार बाबा को दिया और बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष विद्या बहन के निमित्त भोग लेकर याद लेकर के पहुंची हूँ। ऐसे कहते हुए बाबा ने विद्या बहन को इतने सुंदर सजे सजाए रूप में इमर्ज किया और बहुत ही उनका रूप दिखाई दे रहा था। हर प्रकार से ऊपर से लेके नीचे तक बाबा ने जैसे उनको सजा कर बिठाया हो ऐसा देखने में दृश्य आ रहा था। तो मैंने सामने से विद्या दीदी को कहा, आप तो बहुत सुंदर रीति से वतन में बैठे हैं सजे सजाए रूप में और आपको तो सभी बहुत याद करते हैं। तो एकदम बाबा कहने लगे कि बच्ची, इस बच्ची को बाबा ने बाल्यकाल से ही बचपन से ही एक एक बात एक एक ज्ञान की बात को और प्रैक्टिकल बातों को बहुत अच्छी तरह से इस बच्ची को सिखाया है। जैसे कोई मूर्ति को बना गढ़ते हैं सजाते हैं, तो बाबा ने कहा कि संगम के समय पर इस बच्ची को बाबा ने सभी दादियों ने भी विशेष बहुत स्नेह के साथ हर गुणों से सजाया है, इसलिए इसका लौकिक में नाम भी विद्या देवी था। विद्या जो अनेक बातें दूसरों को सिखाए समझाए और बनाए, तो बच्ची ने भी अपने जीवन में यही सब किया है और विशेष बड़ों की भी पालना ली, विशेष गंगे दादी को भी याद किया बाबा ने, बच्ची की भी विशेष पालना ली गंगे दादी की। तो बाबा ने कहा कि जब बड़ों के साथ रहते हैं तो अपने को एक एक गुणों से सजाते रहते हैं, तो बच्ची तो बहुत मन की भोली सादगी जीवन बिताने वाली, अपने जीवन में बच्ची ने ऐसे कोई प्रकार की इच्छा और फिर भी बड़ों के प्रति यज्ञ के प्रति
बाबा के प्रति विशेष बच्ची की ऐसी श्रेष्ठ भावना रही शुरू से ही, तो बाबा ये गुण देख करके, विशेषता देख कर बाबा ने आज वतन में बच्ची को सजे सजाए रूप में बिठाया है, क्योंकि गुणों से शक्तियों से भरपूर किया है। तो जैसे विद्या बहन बहुत प्यार से मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी पहले तो आई नहीं और अभी समय पर समय के अनुसार पहुँची हो। मैंने कहा आप तो हमेशा मधुबन में आते थे, मिलते थे, देखते थे, पर कैसे आप वतन में एकदम राखी के बाद ही, जैसे कि राखी के समय ही आप बाबा के पास गए, तो जैसे एकदम फिर सामने भोग की थालियाँ रखी हुई है और बड़े प्यार से एक एक चीज़ को निहार रही हैं, देख रही हैं। बाबा कहने लगे बच्ची देखो, तुम्हारे लिए साकार वतन से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, तुम बहुत प्यार से दूसरों को भी खिलाती थी, खाती भले कम थी पर खिलाती जाती थी, पालना बहुत करती थी ब्राह्मण बच्चों की, तो आज तुम्हारे निमित्त ही विशेष भोग आया है। तो विद्या बहन कहती नहीं बाबा, पहले आप भोग स्वीकार करेंगे, पीछे हम स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, इस भोग के अंदर बाबा के प्रति भी भावना है और आप बच्ची के प्रति भी, विशेष सभी ब्राह्मण बच्चों का, विशेष बनाने वालों का इसमें स्नेह प्यार भरा हुआ है। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि भोग भी स्वीकार कराया, फिर हमने कहा कि आपको याद सभी करते हैं, तो मैं देखती हूँ कि मेरे को बाबा ने जैसे बाजू में बिठा दिया और कुछ मिनटों के लिए जैसे बाबा और विद्या बहन दिखाई नहीं देती हैं, मैं अकेली बैठी हूँ वतन में, तो बाबा जैसे कि कहीं से चक्कर लगा कर या यहाँ से चक्कर लगा कर वतन में पहुँचे। बाबा ने फिर विद्या बहन को कहा कि अच्छा बच्ची, अभी तो चक्कर लगा सकती है, फिर तो अपनी दूसरी सेवा पर जाएंगी और दूसरी सेवा के निमित्त, श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बच्ची जाएगी। ऐसे कहती है, फिर विद्या बहन को भी हमने कहा आपको कुछ कहना है, पूरा ब्राह्मण परिवार, बाबा के बच्चे सभी आए हैं, तो बहुत प्यार से स्नेह के साथ कहने लगी कि सभी को सब प्रकार का ज्ञान है, पर और बाबा के प्रति प्यार भावना और जागृत होना, यही मेरी थोड़ी इच्छा है कि बाबा के बच्चे और सब बाबा के कार्य में जुटते रहें और ऐसा ही सभी का स्नेह प्यार आपस में बना रहे, यही मेरा सभी के प्रति संदेश है। फिर तो जैसे कि बाबा ने और विद्या दीदी ने भी बहुत प्यार से स्नेह के साथ आप सभी भाई बहनों को
स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी और दोनों का ही याद प्यार लेते हुए फिर नीचे साकार वतन में पहुंच गए। ओम शांति। सभी दिल से यही महसूस करेंगे कि आपके हृदय के पुष्प, श्रद्धांजलि के पुष्प दीदी जी को अर्पित हो रहे हैं इन राजयोगिनी बहनों के द्वारा।